जानेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल को आप कैसे पहचान सकते हैं और पहचानने के बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे मार्केट से निकाल सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको जो है वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम यहाँ से ही शुरू करते हैं, थोड़ा बैक टेस्टिंग करके आपको बताऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बेटर होता है, या फिर 15 मिनट पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बना हुआ है, डब्लू पैटर्न जिसे कहते हैं। डब्लू पैटर्न बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में निकला है, नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो ये चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छे से वर्क करता है दोस्तों। ऑलरेडी डब्लू पैटर्न के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दूसरे हमारे पास जो स्ट्रैटेजी है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनती है तभी भी अच्छा मूवमेंट आता है दोस्तों मार्केट में। अगर ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर टाइप या फिर शूटिंग स्टार बन गई आपके चार्ट में, या फिर मॉर्निंग स्टार बन गई, ऐसी कोई भी बुलिश या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है उसके बाद भी अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में आता है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टारगेट रखना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में आपने ट्रेड लिया है तो आपको रेजिस्टेंस का टारगेट रखना है, अगर अप ट्रेंड में आपने कोई ट्रेड लिया है तो आपको जो है सपोर्ट तक का टारगेट रखना चाहिए। चलिए देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से वर्क करती है। यहाँ पर अगर हम ढूंढे कैंडलस्टिक पैटर्न को, कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढे तो हमें यहाँ पे मिल गई है कैंडलस्टिक पैटर्न। आप देख पा रहे हैं ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है जो बुलिश पैटर्न है, और बुलिश पैटर्न होने के कारण ये यहाँ से अप ट्रेंड में निकला है। तो ये एक दूसरा साइन है हमें ट्रेंड रिवर्सल पहचानने का। लाइव मार्केट में आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न पहचाननी होगी। अगर कोई हैमर बनती है इस तरह से सपोर्ट के पास, या फिर रेजिस्टेंस के पास इस तरह से कोई पिन बार कैंडल बनती है, या ऐसी कोई शूटिंग स्टार बनती है या मॉर्निंग स्टार बनती है, तो आप यहां से ट्रेंड रिवर्सल एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे क्लियर कंफर्मेशन है। आप देख पा रहे हैं एक हैमर बना हुआ है, हैमर पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं किस तरह से हैमर को लाइव मार्केट में पहचानना होता है। हैमर बनने के बाद आप देख पा रहे हैं मार्केट कितना अप ट्रेंड में गया है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है बहुत ही बढ़िया से वर्क करती है दोस्तों मार्केट में, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल के देती है। अगर आपने इसे लाइव मार्केट में पहचान लिया तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपको चार्ट पहचान आना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहचान आना चाहिए, ट्रेंड लाइन कहीं पर बन रही है क्या, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ट्रेंड लाइन का एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ट्रेंड लाइन से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो दोस्तों। ट्रेंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप देख पा रहे हैं एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया है। चलिए देख लेते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट हमने मार्केट से निकाल सकते थे। यहाँ से लेके अगर हमने यहाँ पर भी एंट्री ली होती तो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट आपको 434 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होता, अगर आपने ये ट्रेड पहचान ली होती या ट्रेंड लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली होती। अगर इस ट्रेड की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा डब्लू पैटर्न बनाया है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में निकली है, रिट्रेसमेंट हुआ है और उसके बाद फिर से अप ट्रेंड में निकली है, अब की बार गिरी है। ये बढ़िया सा मूवमेंट हमने कैप्चर किया था मार्केट से और अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया था। तो इस तरह से आपको लाइव मार्केट में पहचानना होता है दोस्तों। आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो इस तरह की स्ट्रैटेजी अपना के। स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई तो वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देखिए। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन कितने दिनों से यहाँ पे जो है फॉलो कर रहा था, मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था ट्रेंड लाइन को, और उसके बाद जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिला। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी वर्क करती है दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करते हैं। आपको सिर्फ लाइव मार्केट में पहचानना ज़रूरी है। इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी को ट्रैप से किस तरह से बचा जाए, इस स्ट्रैटेजी को, 1 मंथ की स्ट्रैटेजी को, 9 EMA, 50 EMA और एक इम्पॉर्टेंट 200 EMA की वीडियो को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया दोस्तों, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो सारी नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में, तो वीडियो को ज़रूर जाके देखें, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।
यही था दोस्तों वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप फ़ायदा उठा सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।